दोस्तों, संक्रांति तो हर महीने आती है, लेकिन मकर संक्रांति बेहद खास होती है, क्योंकि शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। बता दें कि ये त्योहार इस बार 14 नहीं बल्कि 15 जनवरी को मनाया जाएगा। कई स्थानों पर मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद से सूर्य उत्तर राशि में गमन करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस खास दिन खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में इस त्योहार का एक नाम खिचड़ी भी है। मान्यता है कि खिचड़ी के बिना ये त्योहार अधूरा होता है। शास्त्रों में खिचड़ी को नवग्रह का प्रसाद माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन इसका उपयोग करने पर जीवन में तमाम तरह के दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है और क्या है इसका महत्व। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, दही, चूड़ा के अलावा खिचड़ी खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार खिचड़ी में मिलाए जाने वाले जैसे चावल, काली दाल, हल्दी, हरी सब्जियां आदि पदार्थ का अलग अलग ग्रहों से संबंध है। खिचड़ी के चावल चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शांति के लिए बहुत लाभकारी है। वही काली दाल के सेवन और दान से शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। हल्दी का संबंध बृहस्पति से है और खिचड़ी में घी का संबंध सूर्य से है। खिचड़ी के साथ गुड़ खाने का भी विधान है, जिसका संबंध मंगल से है। वहीं हरी सब्जियों का संबंध बुध से है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी के उपयोग से नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। कैसे शुरू हुई खिचड़ी खाने की परंपरा? मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने का चलन भगवान शिव के अवतार कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार खिलजी और उसकी सेना ने युद्ध लड़ने के कारण नाथ योगी ना ही भोजन पका पाते थे और ना ही खा पाते थे। इस वजह से हर दिन योगी अक्सर भूखी रह जाते थे। ऐसे में उनकी शारीरिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल, सब्जी को मिलाकर एक पकवान बनाने को कहा, जिसका नाम दिया गया खिचड़ी। इसे बनाने में वक्त भी कम लगता था और इसे खाने के बाद योगी ऊर्जावान रहते थे। कहा जाता है कि फटाफट तैयार होने वाले इस व्यंजन से नाथ योगियों को भूख की परेशानी से राहत मिल गई। इसके अलावा वो खिलजी के आतंक को दूर करने में भी सक्षम हुए। इसके बाद से गोरखपुर में मकर संक्रांति के दिन को बतौर विजय दर्शन पर्व के रूप में भी मनाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के पास खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की शुरुआत बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाकर होती है। इसके बाद प्रसाद स्वरूप पूरे मेले में खिचड़ी का वितरण भी किया जाता है। कुंडली टीवी टेक से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।